Good morning, students. I am Neeru Tyagi, your new science teacher. As you know, due to lockdown, our school is going through online classes for welfare of the students. And let's proceed with lesson 1 of science, that is source of food. So, some important functions of food are to provide. एक्चुअली हम फूड खाते क्यों हैं या हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है तो फूड की ज़रूरत पड़ती है हमें एनर्जी के लिए बिकॉज एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द फूड सो वी नो दैट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी मशीन ऑफ एन इंजन टू वर्क इट मीन्स कि जो एनर्जी होती है वो मशीन को भी चलाती है इंजन भी उसी के थ्रू वर्क करता है और हमारी बॉडी भी एनर्जी के थ्रू ही वर्क करती है अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आपने देखा होगा कि अगर हमें एक दिन भी फूड ना मिले तो हम कैसे अपने आप को लेजी महसूस करते हैं आलस हमें आता है हम उठ नहीं सकते हम काम प्रॉपरली तरीके से नहीं कर पाते एज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है फूड के क्या क्या हमें फूड प्रोवाइड कराता है तो एनर्जी टू वर्क एंड प्ले यानी इस एनर्जी के थ्रू हम वर्क करते हैं हम खेल कूद सकते हैं न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी न्यूट्रिएंट्स जो होती है हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो इस फूड के थ्रू ही हो पाता है न्यूट्रिएंट्स फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी कॉल्स एंड टिश्यू सेल्स एंड टिश्यूज न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो मेंटेन करता है हमारी बॉडी में जो बॉडी में रिपेयर है सेल्स की एंड टिश्यूज की उनके लिए हमारे बॉडी को फूड की ज़रूरत पड़ती है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज टू कीप अस फिट एंड हेल्दी अगर आपने देखा होगा हम फूड खाते हैं जनरली हमें डॉक्टर्स प्रोवाइड करता है कि आप ज़्यादा ज़्यादा फूड्स खाइए तो हमारी बॉडी उससे हेल्थी बनी रहती है विटामिन्स की कमी पूरी होती है न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी होती है एक्सेट्रा नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड वैरायटी फूड वैरायटी क्या है फूड वैरायटी का मतलब जब आप अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं अलग अलग फूड वैरायटी अलग अलग तरह का फूड खाते हैं तो उसमें हम किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत हमें पड़ती है और इंग्रेडिएंट होता क्या है द Raw materials needed to prepare food items are called ingredients. Ingredients मतलब वो रॉ materials जिनके थ्रू आप फूड बना रहे हैं और वो आपका कुक होकर खाने में यूज़ किया जाता है जैसे कि आपने मान लिया राइस बनाए चावल बनाए चावल में अगर आपसे पूछा जाए कि रॉ materials क्या है तो पानी और चावल नमक आप यूज़ में करते हैं कई लोग है ना तो इस तरह से इन्हें कहा जाता है रॉ materials. क्लियर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सोर्स ऑफ फूड सोर्स ऑफ फूड मीन्स कि जो आपने फूड बनाया है उसमें सोर्स क्या क्या था जैसे हैव यू एवर थ्रू एवर डू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस डिशेस कम फ्रॉम व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ राइस प्लांट्स ऑफ कोर्स है ना तो कि कहाँ से आपको फूड मिलता है वैसे जनरली आप अगर देखेंगे तो हमें सारा फूड ही कहाँ से मिलता है प्लांट से मिलता है यानी मेन सोर्स हमारा जो फूड का है प्लांट है लेकिन कुछ लोग प्लांट यानी वेजिटेरियन के अलावा जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो मीट या एक्सेट्रा भी खाते हैं जैसे एग हो गया या एक्सेट्रा तो इसलिए मेन सोर्स जो है वो प्लांट है तो प्लांट में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रूट्स हम खाते हैं रूट्स एज अ कैरेट टर्निप रेडिश ये सब क्या हैं रूट्स होती हैं प्लांट की जो हम एज अ खाने के रूप में यूज़ करते हैं स्टेम्स जैसे शुगर कैन हो गया अनियन जिंजर एक्सेट्रा ये सब स्टेम होते हैं प्लांट्स के लीव्स मिंट स्पिनेच कैबेज ये सब प्लांट के लीव्स हैं तो इस तरह से हम क्या करते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स आप जानते हैं प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं रूट है स्टेम है लीव्स हैं फ्रूट है सीड्स हैं एक्सेट्रा तो ये सब हम खाने में यूज़ किया जाते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल ये सब तो आप जानते हैं एप्पल गुआवा बीन्स कुकुम्बर एक्सेट्रा पर एक्सेट्रा रूट्स स्टेम लीव्स ये भी हमारे खाने में यूज़ होती हैं उसके बाद नेक्स्ट आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स अभी मैंने आपसे कहा था कुछ लोग या कुछ जो व्यक्ति हैं वो खाने में क्या यूज़ करते हैं जैसे वो एग हो गया मीट हो गया ये सब भी हम यूज़ करते हैं मिल्क है ये सब हमें कहाँ से मिलता है एनिमल से तो मेन सोर्स तो हमारा फूड का प्लांट है ये इसके अलावा एनिमल से भी हम फूड को प्रोवाइड कर हम फूड को
ऑप्टेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क, मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? काऊ, बफेलो एंड गोट, सभी बच्चे जानते हैं कि ये हमें कहाँ से मिलता है. लेकिन हम मिल्क का यूज़ अदर पर्पज़ में भी कर सकते हैं, जैसे बटर है, चीज़ है, घी है, कर्ड है, आइसक्रीम है, एक्सेट्रा. सेम एज इट इज़ एग. एग जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? हैन से मिलता है, टर्की से मिलता है, डक से मिलता है, एक्सेट्रा. और ये मेन सोर्स होता है, रिच सोर्स है प्रोटीन और विटामिन्स का. आपको पता है कि हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पढ़ के आए हो आप फिफ्थ क्लास में, तो जो फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एक्सेट्रा, है ना. इन सब में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है, उन्हें एनर्जी का मेन सोर्स माना जाता है. और जो प्रोटीन होता है वो उसका काम क्या होता है? रिपेयरिंग करने का होता है. जो सेल्स हमारी बॉडी में टूट फूट जाती हैं, उनकी मरम्मत करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है. ओके, तो एग से हमें सबसे ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन कहाँ से मिल रहा है? एग से मिलता है. मीट, वी गेट मीट फ्रॉम हैंस, डक, गॉट एंड फिश. मीट हमें इनसे मिलता है. ओके, हनी, हनी आप सब जानते हैं, हनी बी से हमें मिलता है. ये हनी जो होता है वो, इसका यूज़ टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस फूड है, आइटम है ये, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं? आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में भी करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि व्हाट एनिमल ईट. एनिमल ईट यानी जो कुछ एनिमल्स, हम भी एक प्रकार के एनिमल ही हैं, हमें भी एनिमल में ही काउंट किया जाता है, यानी ह्यूमन बीइंग को भी. तो इस तरह से एनिमल जो होते हैं वो क्या ईट करते हैं, क्या क्या खाते हैं, तो इनको हमने ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल हर्बीवोरस. हर्ब मतलब होता है प्लांट्स, तो हर्ब वॉरस मतलब ईटिंग. तो एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, उनको कहा जाता है हर्बीवोरस. जैसे काऊ हो गया, गॉट, रैबिट, उनमें हम भी आते हैं, क्योंकि हम, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो दोनों ही चीज़ खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं, जैसे मीट वगैरह एक्सेट्रा. तो उन्हें हमने हर्बीवोर में ना रख कर किस में रखा हुआ है? ओमनीवोर में. ओमनीवोर मीन्स that is animals that eat both the plant products and flesh of other animals are called omnivorous. तो ऐसे उनमें humans आ जाते हैं, bears, rats, etc. ये omnivore कहलाते हैं. same as the things carnivore क्या होते हैं? carnivore वो होते हैं जो animals that eat only the flesh of other animals. clear? जो only केवल flesh या दूसरे animals को खाते हैं उन्हें हम carnivore कहते हैं. for example lions, tiger, etc. उसके बाद है पैरासाइट. पैरासाइट यानी जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं. दूसरों पर डिपेंड मतलब एनिमल्स दैट लीव और ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स. मतलब जो एनिमल्स दूसरों की बॉडी में रहते हैं या उन पर डिपेंड रहते हैं उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं. लेकिन जिन पर वो डिपेंड रहते हैं वो लिविंग होने चाहिए, ठीक है. जैसे प्लेस, लीच, बग्स, ये सब क्या हैं? पैरासाइट्स होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्केवेंजर एंड डिकम्पोजर. स्केवेंजर कौन होते हैं? स्केवेंजर मींस सम एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट द फ्लैश और डेड एनिमल्स. कुछ ऐसे होते हैं जो केवल बर्ड्स और फ्लैश खाते हैं और डेड एनिमल्स खाते हैं. तो ऐसों को हम क्या कहते हैं? स्केवेंजर्स कहते हैं. जैसे जैकाल हो गया, वल्चर एक्सेट्रा हो गया. उसके बाद सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इन नेचर लाइक सम ऑफ द फंगी एंड बैक्टीरिया फीड ऑन डेड प्लांट्स एनिमल्स. डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? जो डेड और डिकेंग, डिकेंग मतलब सड़े हुए, उनको खाते हैं, तो वो कहलाते हैं डिकम्पोजर्स. इन दोनों का ही बहुत फ़ायदा होता है नेचर में. क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि ये डेड बॉडीज़ को खा जाते हैं तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है. इससे इन दोनों का ही हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत हेल्प होती है सफाई में. फूड चेन क्या होती है? फूड चेन मीन्स क्या होता है कि जब हम, आपने देखा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले प्लांट होते हैं. प्लांट को फिर कौन खाता है? जो हर्बीवोर होते हैं. हर्बीवोर मतलब जो सिर्फ केवल प्लांट पर ही डिपेंड रहते हैं. तो जैसे कि डियर हो गया. उसके बाद नेक्स्ट आता है कार्निवोर. कार्निवोर यानी जो फ्लैश खाते हैं, है ना. तो जैसे लायन हो गया. इसी तरह सेकेंड चैन हम बोल सकते हैं जैसे प्लांट, प्लांट पर डिपेंड है ग्रास ऊपर जो कि हर्बीवोर है. फ्रॉग जो कि कार्निवोर है जो कि हर्बीवोर को खाएगा. इसी तरह से स्नैक जो कार्निवोर है वो फ्रॉग को खा सकता है.
और ईगल्स जो डिकम्पोजर है वो किसको खा सकता है, स्नैक को खा सकता है। तो इस तरह से एक फूड चैन बन जाती है जो एक दूसरे पे डिपेंड है, और इनमें से एक को भी अगर हमने हटा दिया तो दूसरा उसके बिना जीवित नहीं रह पाता है। क्लियर? जैसे मान लिया आपने ग्रास ऊपर हटा दी यहाँ से, तो ग्रास ऊपर हटा दी तो फ्रॉग तो ग्रास खा नहीं पाएगा, तो एक टाइम ऐसा होगा कि इस पे एनवायरमेंट पे ग्रास ही ग्रास हो जाएगी और फ्रॉग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फ्रॉग को खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। क्लियर? तो इस तरह से फूड चैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे एनवायरमेंट में होता है। ये चैप्टर आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है।